कार्यक्रम किए गए। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजादी केवल कुछ लोगों द्वारा नहीं दिलाई गई थी, परंतु आजादी के जब भारत देश आजाद हुआ तो इस देश को आजाद करने में ऐसे परंतु जो आजादी का सहरा है, जो श्रेय है, वो केवल चुनिंदा कुछ सत्र हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमें प्रत्यक्ष तौर पर बदलाव। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है, पिछले दिनों जो 15 अगस्त के मौके पर विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक गांव एक तिरंगा के तहत जो एक आज़ादी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभियान लिया गया था, इस अभियान में विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, ऐसे 2729 स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर, विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्यक्रम किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है कि हम जब आज़ादी के अपने 75 वर्ष के अंदर प्रवेश किए हैं तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के युवा भारत के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो लोग जब धारा 370 नहीं हटी थी तो जो लोग यह कहा करते थे कि धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, उन लोगों के मुंह पर एक प्रत्यक्ष तौर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आज इतने बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर का युवा इस समय भारत का झंडा उठाकर आज कदम से कदम मिलाकर आज चल रहा है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है कि आज आजादी के 75 वर्ष, जो 15 अगस्त के अवसर पर आजादी के 75 वर्ष के अंदर हम लोग जो प्रवेश किए हैं, तो एक इतने बड़े मास्टर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यक्रम किए हैं।